चाय बनी है कि नहीं बनी। यही अगर सुबह जल्दी उठने की आदत हो ना तो घर में खैर और बरकत होती है। एक आप हैं और एक हमारे किराएदार, दोनों एक से। तबीयत खराब है हमारी, सारी रात जागते रहे। अच्छी तरह जानता हूं मैं, कोई तबीयत खराब नहीं आपकी, बस बाहर निकलने के बहाने चाहिए। नेक बख्त औरत, घर में दिल लगाइए, चंगी भली हो जाएंगी। खुदा का खौफ करें, कैसे शौहर हैं? बीवी का ख्याल रखना अवलीन फर्ज है आपका। दर्श देने की जरूरत नहीं है, वो मेरा काम है। शाम को आते हुए दवाई लेता आऊंगा, आप जरा अपने फराइज की अदायगी पे ध्यान दिया कीजिए। कैसे शौहर हैं? बख्तू, यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी 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 सर। सब ठीक है ना? जी, वो रात भर पढ़ता रहा था तो आंख लग गई थी, सॉरी सर। और दिन में खाद देखने लगे? नहीं 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 सर। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? सब ठीक है ना? कुछ चाहिए तो नहीं? एग्जामिनेशन फीस भर दी? जी सर। कब है एग्जाम्स? बड़ा सा वक्त रह गया बस। ये रखो। नहीं 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 सर। रखो ना बख्तू। सत्कार खैरात हो रहा था, परेशान लग रहा था बेचारा। मैंने सोचा खुद तो खुल के बताएगा नहीं मुझे, मैं ही दे देता हूँ कुछ पैसे। खैर आप बताइए, कोई काम था? गरीबों का यही तरीकेकार होता है कि मुंह से ना बोले फिर भी वो पैसे निकलवा ही लेते हैं। हमें किस चीज से कमी है बाबा, हमारा तो फर्ज बनता है इन लोगों की हेल्प करना। चैरिटी का भी एक तरीका होता है बेटा, घूरिया कोई देख लो। इधर उधर रोटी सीधी लोगों के हाथों बेवकूफ बनने के बजाय उसने गरीबों के लिए एक ट्रस्ट बना लिया, जहाँ जरूरतमंदों के लिए फंड रेजिंग होती है और उनकी हुकूक के लिए आवाज भी बुलंद की जाती है। जी जी, बहुत ही लैविश इनॉग्रेशन कराई थी उसने। तुम्हें तो उसके साथ होना चाहिए था, मगर तुम गए क्यों नहीं? आप जानते हैं कि मुझे ये दिखावा, नुमाइश और मीडिया की इन्वॉल्वमेंट अच्छी नहीं लगती। मैंने हुजा को समझाया भी था कि समझने की तुम्हें जरूरत है दिलावर, और तुम जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक कामयाब तरीन शख्स देखना चाहता, और उस चीज के लिए मुझे हुरिया जैसी लड़की की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तुम्हारी मां के सामने तुमसे बात होगी।